हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे दो दिनों से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रहा है और यहां पे जिन लोगों ने, एक तरह से अगर हम बात करें कि यहां पे जो हायर प्राइस पे बाइंग किए हैं 5500 या 5400 पे या 5300 पे, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन 5 डेज के अंदर अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली है, 7.92% की रैली देखने को मिला है। लेकिन दो दिनों में अगर हम बात करें खास करके वेडनेसडे और थर्सडे की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप किए हैं तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 6 मंथ के अंदर अंदर 95% का रिटर्न दे चुका है अब। और यहाँ पे 5 ईयर्स में की अगर हम बात करें तो 1414% का तगड़ा रिटर्न दिया है। और एक साल की अगर हम बात करें तो 177% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिला है कंटिन्यू। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहाँ पे इनको एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया है कि दिया जाएगा बेसिकली ये ऑर्डर, खास करके HAL को ही बीट करने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे HAL अकेला एक कंपनी है जो बेसिकली यहाँ पे इसी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से पॉजिटिव न्यूज रहने की वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिला था ट्यूजडे के दिन। तो ट्यूजडे के दिन के बाद से अगर आप देखो तो ट्यूजडे को तो ऑल टाइम हाई लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो खास करके अगर हम बात करें 5 डेज में, तो यहाँ पे आपको जो ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा वो यहाँ पे हाई यहाँ पे आपको 5 डेज में अभी भी 5381 का देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई बेसिकली 5600 रुपया जाता हुआ नजर आया था बेसिकली ये स्टॉक। अगर आप देखो तो 5526 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, 5541 देखने को मिल रहा है। तो ये 5600 के करीब करीब गया था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू फॉल देखने को मिला यहाँ पे वेडनेसडे एंड थर्सडे को। दोस्तों, यहाँ पे आज के डेट में क्या हो सकता है और यहाँ पे आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है बेसिकली एक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो बेसिकली इनका बिजनेस ऐसा है कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके जैसा मार्केट प्लेयर अभी तक इंडिया के अंदर नहीं है, जो बेसिकली हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं, रिपेयर करती हैं, मेंटेनेंस करती है एयरक्राफ्ट की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली कोर एविएशन इक्विपमेंट सप्लायर भी है HAL यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कंपनी काफ़ी 6 से 7% यहाँ पे खर्चे करती हुई नजर आती है। इनके पास 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है FY 2024 से 2025 में। तो एडिशनल मेजर्स ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग FY 2024 से 2025 तक, यानी 2 साल तक तो इनके पास एक तरह से ऑर्डर है जो फिक्स कर दिया गया, इतना ऑर्डर तो है ही। लेकिन इसके अलावा जो ऑर्डर आता है कंपनी के पास तो यहाँ पे वो भी एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे कंपनी के लिए होगा दोस्तों। और अगर आप देखोगे HAL MOU साइन किया है सेफ्रॉन के साथ, सेटअप ज्वाइंट वेंचर इंटेड डेवलपमेंट प्रोडक्शन सेल सपोर्ट और हेलीकॉप्टर इंजन की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी हेल्दी कैश बैलेंस के साथ यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, इनके पास कैश बहुत तगड़ा है। और इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे जो मार्केट कैप है, खास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,53,688 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 5586 रुपया का हाई लगाया है, 1768 रुपया का लो देखने को मिल रहा है 52 वीक का। दोस्तों, यहाँ पे बुक वैल्यू 434 रुपया देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यहाँ पे 0.52% का डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है कंपनी। और ROCE और ROE की अगर हम बात करें तो 38% और ROE 28% का है। तो ये दोनों चीजें कंपनी का काफी शानदार देखने को मिलता है। कंपनी का फेस वैल्यू भी 5 रुपीज का है और इनके बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक ज्यादा 12.2 का यहाँ पे बुक वैल्यू पे पहुंच चुका है। डेप्ट इनके पास 0 है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम कह सकते हैं लार्ज कैप की कंपनियों में कैश रिच और मोर स्टेबल कंपनी बेसिकली यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको देखने को मिलता है। डेप्ट मात्र कंपनी के पास 35 लाख है और इनके पास अगर आप रिजर्व देखोगे तो यहाँ पे 28,712 करोड़ का बहुत तगड़ा रिजर्व कंपनी ने यहाँ पे बना रखी है।
प्रमोटर हाईएस्ट होल्डिंग 71.6% की होल्डिंग ऑलरेडी रखे हुए हैं, 114 रुपया का ईपीएस जनरेट कर रही है कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे आरएसआई तो 62 पे है, यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और ग्राम नंबर प्राइस अगर आप देखोगे तो 1053 रुपया, पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 7 पे देखने को मिलता है। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स, Q4 क्वार्टर रिजल्ट्स तो आपने देखा ही होगा, कंपनी ने बहुत तगड़ा यहाँ पे जंप किया है अपने प्रॉफिट में Q4 के क्वार्टर में। तो Q4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं बेसिकली कंपनी मार्च 2023 से अगर हम बात करें तो मार्च 2023 से यहाँ पे देख सकते हैं 12,495 करोड़ से 14,769 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने बहुत तगड़ा किया, 4,292 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कंपनी यहाँ पे 2841 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती थी। लेकिन आने वाले क्वार्टर में क्या 814 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है FY25 का। तो यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे जून जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जून क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट्स का सिलसिला होगा जो आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक तरह से मुझे लगता है कि 1000 करोड़ क्या यहाँ 1500 करोड़ करीब करीब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आ सकती है बेसिकली आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पे कंपनी का एक तरह से एक्सपेक्टेड जो क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की अगर हम बात करें बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो कंपनी का एक तरह से ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को, बैलेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे इनका बैलेंस शीट देखने को मिलता है, जो 2020 में 4000 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग रखती थी, आज के डेट में यहाँ पे 0 करोड़ का बोरोइंग रखी हुई है कंपनी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे CWIP में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो बड़े इंस्टीट्यूशन अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे FIs थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं, DIs थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं, कुल मिला के थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होता हुआ नजर आया है रिसेंटली। तो यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अभी के टाइम पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे एक तरह से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रखा है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रकार के इस स्टॉक में सोचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अभी भी यह स्टॉक बहुत तगड़ा रिटर्न देगा। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा इस कंपनी का बेसिकली यहाँ पे आने वाले अपकमिंग क्वार्टर के अंदर, अपकमिंग ईयर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे इनके पास ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग हो रखा है कि आने वाले क्वार्टर के लिए इनके पास काफ़ी सारे ऑर्डर ऑलरेडी इन पाइपलाइन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाला क्वार्टर का जैसे अपडेट आएगा सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहूँगा टाइम टू टाइम, किसी भी प्रकार के न्यूज आता है वो मैं अपडेट करते रहूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन करने के लिए रिकमेंड जरूर करूंगा। दोस्तों आप 200 रुपीज का रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं तो अपस्टॉक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जाके ओपन करें, और 200 रुपीज का टेलीग्राम पे पिंग करने पे आपको दिया जाएगा 200 रुपीज का रिवॉर्ड्स, जो यहाँ पे आप ले सकते हैं मेरे से। दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अपस्टॉक का, उसी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करना होगा और आपको पिंग करना होगा टेलीग्राम पे। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।